हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार ब्रेक फेल की। अगर कोई भी कंडीशन में, कोई सिचुएशन में आपके ब्रेक फेल्स हो जाती हैं, तो आपको कैसे अपनी गाड़ी हैंडल करनी है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत ही बिगिनर, अगर आपको गाड़ी चलाने के बारे में ज्यादा नहीं पता है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा एडवांस है, तो जो आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर से जाइए, और औरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेक फेल होती कैसे है। ज्यादा देखे जाने वाला जो इसका रीजन होता है, वो होता है जब हम एक पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें क्या है, इंजन को ज्यादा एक्सेलरेशन करने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है, बट बार बार हमें ब्रेक्स दबानी पड़ती है। तो हम क्या है कि अगर बहुत ज्यादा आप हिली एरिया में ड्राइव करें, तो आपको सबसे पहले यह बताया जाता है कि आपको ब्रेक लेते रहना है। हर एक घंटे के अंदर एक बार गाड़ी को रोक दीजिए, उसकी ब्रेक्स के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अगर बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है कि ब्रेक्स जो है वो गर्म हो गई है, क्योंकि बार बार वो कांटेक्ट में आती हैं, गाड़ी का इतना भार है, वो बार बार पूरा उसको संभाल रही हैं, तो ब्रेक्स क्या है, ब्रेक पैड जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और ऐसे में फिर होता क्या है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आप नहीं रुकेंगे और वो वैसे ही गर्म होते रहेंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। और ये बहुत सारे केसेस आपको हिली एरिया में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप प्लेन एरिया में चल रहे हैं, तो ये जो केसेस होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको, बट होते हैं फिर भी। क्योंकि अगर लोग क्या बोलते हैं कि अनदेखी करते हैं कि उनके जो ब्रेक पैड्स हैं वो घिस चुके हैं, या फिर कोई भी रीजन से जो हमारा ब्रेक ऑयल होता है वो अगर उनका निकल गया है, तो बहुत सारे ये रीजन हो सकते हैं कि आपके नॉर्मल एक क्या बोलते हैं कि सरफेस पे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, वहां पे आपकी ब्रेक फेल्स हो जाती है। तो ये केसेस हो सकते हैं, बट ज्यादा केसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिली एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमें कंट्रोल कैसे करना है अपनी गाड़ी को, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर बताया जाता है कि आपको अगर साइड में रेलिंग है आपके हाईवे के रोड के, तो आपको उसके अंदर ठोक देना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर लोग बात कर रहे होते हैं कि हैंड ब्रेक अपनी आपको लगा लेनी है, या फिर आप पार्किंग ब्रेक बोल सकते हैं वो आपको अपनी लगा लेनी है, तो भी आपका जो काम है ये हो जाने वाला है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके एक क्या बोलते हैं कि इनका जो गलत एक इफेक्ट है वो क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी चल रही है, गाड़ी उसके अंदर एकदम से आप हैंड ब्रेक लगाएंगे, पार्किंग ब्रेक अगर लगाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर, तो होगा क्या कि आपके जो पीछे वाले टायर हैं, वो जो ब्रेक होती है आपके रियर टायर्स के लिए होती है कि उनको पकड़ के रखें, तो पीछे वाले टायर एकदम से जाम हो जाएंगे, और अगर वो जाम हो गए तो गाड़ी आपकी पलटी खा सकती है, रोल ओवर हो सकती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जो ठोकने वाली बात है, तो उस केस में भी आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपने साइड की रेलिंग में ठोका तो आप आराम से सुरक्षित बच जाएंगे। नो डाउट आपकी गाड़ी में अगर एयरबैग है तो वो एयरबैग खुल जाएंगे, बट स्टिल उसके बाद भी आपके पास इतनी कोई श्योरिटी नहीं। तो आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, इसको जरूर से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो तरीका रहने वाला है वो है इंजन ब्रेकिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर सेट आरपीएम हर एक गियर के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को 100 पे चला रहे हैं, तो उस टाइम पे आप फर्स्ट गियर में डालने का ट्राई करिए, बिल्कुल आपकी गाड़ी जाएगी ही नहीं फर्स्ट गियर में, और अगर जाएगी भी तो जो आपके गियर्स हैं वो खराब हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप इंजन ब्रेकिंग कैसे करेंगे। अगर आप मान के चलिए कि अगर आप एक हिल से नीचे आ रहे हैं और आपकी स्पीड है अराउंड 60-70 किलोमीटर या फिर 80 किलोमीटर, तो फिफ्थ गियर में चल रहे हैं, तो जल्दी से पहले फोर्थ गियर में आ जाइए, फिर 5 सेकंड का वेट करना है, तो उस आरपीएम पे गाड़ी का जो इंजन है वो वहां पे सेट हो जाएगा, फिर आपको क्लच दबा के आपको थर्ड गियर में आ जाना है, ठीक है। फिर वहां पे 5 सेकंड रुकना है, अगर उससे पहले भी आप आराम से जा पा रहे हैं तो बिल्कुल चले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर 80 पे गाड़ी चल रही है, अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी स्लो चल रही है पहले कि 30-40 पे चल रही है, वहां पे आप रुकना चाहते हैं, तो वहां पे आई विल टेल यू कि आप डायरेक्टली अगर फिफ्थ गियर में थे, 40 की स्पीड थी, नीचे उतर रहे थे, तो वहां पे अगर आप थर्ड गियर या सेकंड गियर भी डालेंगे तो वो आई थिंक गाड़ी एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपको सेकंड गियर में डाल लेना है, और विद इन 5 सेकंड आप फर्स्ट गियर में आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप फर्स्ट गियर में आ जाते हैं, आपकी स्पीड गाड़ी की हो जाती है 10-15 किलोमीटर पर आर की, ठीक है, 10-15 की स्पीड हो जाती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप अपनी हैंड ब्रेक खींच देंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। अगर आप हायर स्पीड पे अपनी हैंड ब्रेक खींच देंगे तो आपकी गाड़ी रोल ओवर हो सकती है, पलटी खा सकती है, और ऐसे में जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि इंजन ब्रेकिंग का यूज हमें
हमें कैसे करना है और हमें अपनी पार्किंग ब्रेक जो है या फिर आप हैंड ब्रेक बोल सकते हैं उसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली यूज कैसे करना है ताकि आप अच्छे से गाड़ी रोक पाए। 15 से 20 सेकंड के अंदर आप अपनी गाड़ी को आराम से रोक पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और जो दूसरे तरीके की हम लोग बात कर रहे थे उसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत से लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि अगर हमारे पास मैनुअल गाड़ी नहीं है और हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो हम ये इंजन ब्रेकिंग का यूज कैसे कर पाएंगे। तो इस केस के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो पार्किंग ब्रेक है उसका भी आप यूज कर सकते हैं और उसको कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये मेरी अभी ये मैनुअल गाड़ी है तो ये हैंड ब्रेक है मेरे पास, तो आपको इसको कैसे लगाना है वो मैं आप बताता हूँ। अभी ये लगी हुई है हैंड ब्रेक और जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी ब्रेक फेल हो जाती है तो आपको क्या करते रहना है, यहाँ पे आपको लगाना है इसको, ये जो बटन है इसका, इसको आपको प्रेस करके ही रखना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, अभी इसको लगाते रहिए, ऐसे खींचते रहिए और फिर नीचे रिलीज कर दीजिए, खींचिए रिलीज कर दीजिए, खींचिए रिलीज कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ये कैसा पड़ रहा है, अगर आपने कभी देखा होगा, यहाँ पे साइड में एक वीडियो मैं लगा देता हूँ कि ABS कैसे काम करता है हमारी गाड़ी के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक एक सेकंड का ऐसे ब्रेक लगाएगा फिर रोक देगा, फिर ब्रेक लगाएगा फिर टायर को छोड़ देगा, फिर लगाएगा छोड़ देगा। तो ऐसा करने से क्या आपकी गाड़ी स्किट नहीं होती है, ठीक है, और आगे बहुत इफेक्टिवली गाड़ी रुक जाती है। अगर आपने कभी ABS कैसे काम करता है गाड़ी के अंदर आजकल जो सब में आता है वो अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप कुछ इस तरह से अपनी जो पार्किंग ब्रेक है या फिर आप हैंड ब्रेक बोल सकते हैं इसको ऐसे ही करेंगे, इसको दबा के रखिए, खींचिए छोड़ दीजिए, खींचिए छोड़ दीजिए, खींचिए ऐसे छोड़ देंगे, तो ऐसा करते रहने से आपकी जो गाड़ी है वो बहुत जल्दी रुक जाने वाली है और जो चांसेस है कि आपकी गाड़ी पलटी खा जाएगी या फिर रोल ओवर हो जाएगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आपको अपना जो दिमाग है उसको बहुत ही ज्यादा काम रखना है और आप ये एक्शन जो है ये आराम से कर सकते हैं और विद इन 15 to 20 सेकंड जैसे आपको पता चलता है कि मेरे ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं तो वहां पे अपनी गाड़ी को क्या बोल सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती क्या बोलते हैं जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो करते हैं कि अगर हमारे ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं कोई भी रीजन से तो अपनी जो गाड़ी का इग्निशन है उसको बंद कर देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। कोई भी रीजन से आपका स्टेयरिंग लॉक हो जाएगा, ठीक है, आप कोई भी एक्शन है, आप गियर चेंज करना कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ये गलती कभी भी मत कीजिए कि अपनी गाड़ी का जो इग्निशन है उसको ऑफ कर दीजिए। गाड़ी को हमेशा ऑन रहने देना है आपको कोई भी सिनेरियो में, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे और तभी अच्छे से पूरी काम हो पाएगा और आप अपनी गाड़ी को आराम से कंट्रोल भी कर पाएंगे। और रुको रुको रुको, इन लास्ट आप सभी के लिए एक मैं गिव अवे लेके आया हूं उस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा हैम्पर मिलने वाला है कार केयर प्रोडक्ट्स का। उसके अंदर बहुत सारे कार केयर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं और आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जितनी वीडियोस आप इस चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको देखनी है और वो सारी वीडियोस के नीचे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करने हैं और उन वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाने वाले हैं इस गिव अवे को जीतने के लिए। तो जल्दी से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कमेंट वीडियोस देखनी है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट हम 31 जुलाई तक ये वैलिड रहने वाला जो हमारा गिव अवे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।